हर चौका, हर छक्का, हर विकेट होगी जीत का प्लस. ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस. वर्ल्ड कप का अगला मरला यहाँ फ्लोरिडा में होना था, मगर यहाँ पे मौसम जो है वो इस काबिल है नहीं कि क्रिकेट हो सके, और बहुत देर से यहाँ पे फ्लडिंग हो रही थी. सो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन को करनी है और टॉप लेवल के ऊपर करनी है, वो है क्विक डिसीजन रिगार्डिंग इस तरह की सिचुएशन में. फॉर एग्जाम्पल, इसलिए फुटबॉल और रग्बी जो है वो डिसीजन मेकिंग में कहीं से कहीं पहुंच चुकी है एज ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो फटाफट एक डिसीजन ले लेते हैं. वहां पे रेड टेपिज्म नहीं है, वहां पे पॉलिटिक्स बहुत कम है, और वो गेम की तरफ तवज्जो देते हैं ताकि ये गेम जो है ना ये फल फूल सके. और ये गेम जो है वो दो चीजें चला रही है बेसिकली. मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, एक तो फैंस, वर्ल्ड कप है, बहुत बड़ा स्टेज है, और दूसरे स्पॉन्सर्स. सो उन दोनों को सामने रखते हुए आई थिंक बहुत पहले ये डिसीजन ले लेना चाहिए था कि यहाँ पे क्रिकेट होने वाली है नहीं बिकॉज ऑफ इंक्लेमेंट वेदर. तो फिर वापस आप न्यूयॉर्क चले जाते जहां पे 100 डिग्री है इस वक्त और खिलखिलाती हुई धूप है. होता क्या है कि फैंस जो हैं वो टिकट्स ली हुई है उन्होंने. फिर पाकिस्तान के पास फॉर एग्जांपल एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल थी, चाहे बहुत मुश्किल था मगर एटलीस्ट मौका फिर भी था कि कहीं कोई मोजा हो जाता और आयरलैंड जो है वो यूएसए से मैच जीत जाता और फिर पाकिस्तान आयरलैंड को हरा देता. क्योंकि ये वर्ल्ड कप में कुछ भी हो रहा है, ये ऐसा वर्ल्ड कप हो रहा है. जीरा प्लस फैक्टर की तरफ चलते हैं. देखें, ये वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, सुपर एट्स में भी नहीं गए. सो गुस्सा है, गम है, और शायद ये सारी सिचुएशन चेंजेस भी मांगती है, मगर अकलमंदी के साथ आपको चेंज करनी पड़ेंगी चीजें. इसलिए कि नी जर्क एक रिएक्शन भी होता है इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट के बाद. सो नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए. मैं समझता हूँ मिडल ऑर्डर आप दोबारा से ड्रॉइंग बोर्ड पे जाके इसको रीडू कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि आपका स्पिन डिपार्टमेंट जो है उसमें निखार आ सकता है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं. एक आधा फास्ट बॉलर जो है आपका पेसर, उसको आप टाइम आउट दे सकते हैं, क्योंकि लेंथ बॉल जो है पाकिस्तान में बहुत कम फास्ट बॉलर्स ने किया इन कंडीशंस पे, जहां पे ऐसी पिचेस जो कि बैटिंग के लिए खराब थी, गेंद अप एंड डाउन रह रहा था, वहां पे कोई मैजिकल डिलीवरीज की जरूरत नहीं थी, वहां सिर्फ हार्ड लेंथ पे बॉल करने थे जो कि नसीम शाह ने किए. उसके अलावा बहुत अप एंड डाउन काम चला पाकिस्तानी पेसर्स का. तो वहां पे एक आधी आप जरूर चेंज कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो चीज करने वाली है वो आपने इंस्टिल करना है डिसिप्लिन. आपको डगआउट एनवायरनमेंट इंप्रूव करनी है, आपको टीम के साथ जो आपने ओहदेदार लगाने हैं वो उनको क्रिकेट की फहम बड़ा जरूरी है. ये क्रिकेट खेल लेने से कोई गारंटी नहीं मिलती है कि आप जो है वो इसको क्रिकेट को रन भी कर सकते हैं. बड़ा मुश्किल काम है ये, इसके लिए आई फॉर टैलेंट चाहिए कि कौन सी आपने प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है. सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम सर्किट से बाहर आप दो एक प्लेयर्स को लेके आ जाते हैं, जिससे कि एक तरह से माहौल टाइट हो जाता है. और मुझे लगता है कि ये फोर्स्ड एक किस्म से चेंजेस थी. कप्तान को आपको फुल अथॉरिटी देनी है. मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि क्रिकेट में लीडरशिप काम आती है, काम करती है, साइडलाइन से ये गेम रन नहीं कर सकते हैं. सो चेंजेस अगर आपने करनी है और प्लस तरह से करनी है, सो आपको ये दो तीन शोबों में आपको करनी पड़ेगी. मेरे ख्याल से मिडल ऑर्डर आपका बार बार फेल होता है और बहुत प्रेशर है बाबर और रिजवान के ऊपर फ्रॉम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू. इसी तरह से कप्तानी पे प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि वो खुल के डिसीजन नहीं ले सकते हैं बाबर आजम, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में. बॉलिंग भी एक दिन चलती है, दूसरे दिन फ्लॉप शो हो जाता है. सो जब तक के कोहेसिव एफर्ट ना होगा, जब तक के इस झंडे के नीचे आके आप रियलाइज नहीं करेंगे कि ये डिमांड क्या करती है क्रिकेट टॉप सर्किट पे इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, तब तक कहानी बनेगी नहीं. स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए. लिप्टन स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं. देखें, अभी तक इस वर्ल्ड कप में जो एसोसिएट मेंबर्स है उन्होंने हिला के रखी है बस बड़ी टीम्स को, और उसकी बहुत बड़ी वजह है कंडीशंस. इन कंडीशंस के ऊपर वो यूज्ड टू हैं बॉलिंग और बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बड़ी एक तरह से डॉजी पिचेस हैं, और जो बड़ी टीम्स हैं वो उनकी प्रैक्टिस ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी आराम वाली पिचेस पे खेलते हैं, इतनी एक तरह से ऐसी कोई
ट्रिक नहीं होती है उन पिचेस पे और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती है कि यहाँ आके तो एकदम से उनको अपनी सारी गेम को चेंज करना पड़ गया है और बाल बाल बच गया. फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका बाल बाल बच गया, एक दफा नहीं दो दफा पहले बांग्लादेश से बाल बाल बचे वो, और फिर उसके बाद नेपाल ने उनको ऑलमोस्ट हरा दिया था. इसी तरह यूएस से जो है वो छा गया, कनाडा से बड़ा अच्छा मैच वो जीते, पाकिस्तान को हरा दिया उन्होंने और भारत के लिए मुश्किलात उन्होंने क्रिएट की. और सारी बहुत बड़ी वजह थी कि उनको इन पिचेस पे खेलना आया है. सो एक तरह से ये जो पहला राउंड है ये इंटरेस्टिंग भी था. हाँ, बड़ी टीम्स जो है वो बाहर होगी, पाकिस्तान बाहर होगी, शायद इंग्लैंड का अगर मैच वॉश आउट हो जाता है वो भी मुश्किल में है सुपर एट्स में जाने के लिए, अनफॉर्चुनेट होगा बट रियलिटी है. सो ये एक तरह से जो टूर्नामेंट है अभी तक ये क्योंकि यूएसए में और किसी को आइडिया नहीं था यहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए भी थोड़ा सा ये एंटरटेनिंग हो गया है. और क्रेडिट देना पड़ेगा मिनोज को कह लें, आप एसोसिएट मेंबर्स को कह लें, ये ऐसी टीम्स जिनको ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है कि उन्होंने ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे दे के इस वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनाई है और हेडलाइंस बटोरी है. जीएस क्रेडिट कार्ड से करें अपने खर्चों की प्रॉब्लम सॉल्व. हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क विद जीएस क्रेडिट कार्ड. देखें, हिटिंग इट आउट ऑफ द पार्क चौके छक्कों की बात होती है मगर यहाँ पे टीम जो है ना वही आउट ऑफ द पार्क धकेल दी गई है, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है, ये बड़ी बड़ी टीम्स हैं. हो सकता है इंग्लैंड भी बाहर हो जाए सुपर एट से. अच्छा, अब होगा क्या? देखें, एक तो इन टीम्स की अपनी गलती है और क्रेडिट देना पड़ेगा ऑपोजिशन को जिन्होंने इनका जीना मुहाल कर दिया. सो अपनी गलती से ये बाहर हुई है. हाँ, कुछ वेदर की वजह से भी हुई है, कुछ कंडीशन ऐसी थी बहुत मुश्किल थी, इसमें कोई शक नहीं है. जैसे मैंने पहले कहा ना कि जो आपकी इस तरह की इंटरनेशनल टीयर की टीम्स है ना, ये यूज्ड टू ही नहीं है, सारी जिंदगी अच्छी पिचेस पे खेला है, सडनली यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट भी है, गेंद भी रुकता है, यहाँ पे स्पिन भी डबल किस्म की है, कभी गेंद सीधा रहता है कभी स्पिन हो जाता है. तो मुश्किल कंडीशन थी फॉर एस्टेब्लिश यूनिट्स, कोई शक नहीं है, बट बाहर हो गई है. अब देखना यह है कि क्या इंग्लैंड भी बाहर हो जाती है नहीं, क्योंकि उनके अगर दो मैच वॉश आउट हो जाते हैं, एक पहले हुआ है, एक अभी भी थ्रेटन कर रही है बारिश वहां पे वेस्ट इंडीज में, सो वो भी शायद सुपर एट में ना जा सके. अब आगे हिटिंग इट आउट इन द पार्क क्या होने वाला है? क्या ये जो यूएसए की टीम है फॉर एग्जाम्पल, ये जाके जो है सुपर एट्स में अपनी कहानी और बना सकेंगी, या ये कंडीशंस की वजह से जो है यहां तक पहुंची हैं और आगे जाके एक्सपोज हो जाएंगे? और अगर एक्सपोज हो जाती हैं तो फिर सुपर एट्स बहुत फीके हो जाएंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट में खास तौर पे बड़ा ही मुकाबला फीका हो जाता है जब आपको पहले से पता चल जाता है कि कौन सी टीम जीतनी है और कौन सी टीम ने मैच हारना है. सो ये वक्त ही बताएगा, मगर आउट ऑफ द पार्क तो बहुत सारी एस्टेब्लिश टीम्स हो गई हैं. कुछ पता नहीं है कि मिनोज कौन है और हेवी वेट्स कौन है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, मगर मैच ही ना होना और फिर उसके ऊपर डिसीजन ना लेना, ये मेरे ख्याल से इसका सबक मिलता है हमें फ्लोरिडा में आके कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट के ऊपर आई थिंक बहुत जल्दी से माइंड मेकअप कर लेना चाहिए था. और ये कहीं ना कहीं यहाँ का जो एक पूरा सर्किट था, यहाँ के जितने मैचेस थे वो शिफ्ट हो जाते.